हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग से सांभर की रेसिपी को, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसको मैं बनाऊंगी कुकर में। देखिए कितना बढ़िया और डिलीशियस ये लग रहा है। और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है। इसे आप इडली, डोसा, राइस, वड़ा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी तो विंटर का टाइम है तो खाली सांभर भी बहुत ही अच्छा लगता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस सांभर की रेसिपी को। और इंस्टेंट रवा इडली कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप वहाँ देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अरहर की दाल को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस डालूंगी। तो स्पाइसेस में डालूंगी हल्दी और नमक और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसके साथ साथ मैंने ली है वेजिटेबल, गाजर, पम्पकिन, बीन्स और ब्रिंजल। जो भी वेजिटेबल आप इसके अंदर डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ड्रम स्टिक हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर और भी वेजिटेबल आप अपने यूज का इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको एक बाउल में डाल के और अलग से इसको रख दिया है। इससे क्या होगा कि जो हमारी सब्जी है मैशी नहीं होंगी, क्योंकि दाल में तो हमें ज़्यादा विसल लगानी पड़ती है। और विसल लगा ली है देखिए। और जो हमारी सब्जी है ये देखिए खड़ी खड़ी है और दाल हमारी बिल्कुल मैश हो गई है। तो अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसको अब हम लगाएंगे एक तड़का। दाल को अच्छे से मैश करने के बाद मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डालूंगी ऑयल। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है इसके अंदर मैं डालूंगी मस्टर्ड सीड्स और साथ ही डालूंगी कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे तेल हमारा जो है गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड सीड और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता। मस्टर्ड सीड और कड़ी पत्ता तो सांभर के अंदर नेसेसरी होता ही है, तो ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो और उसका पाउडर हो तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कड़ी पत्ता था फ्रेश, तो मैंने वो डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक अनियन बारीक कटा हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो कड़ी पत्ता और राई है चटक गए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अनियन। और इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। तो यहां पर हमें अनियन को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही हमें करना है। तो कलर इसका ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप कम ही डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने जब दाल बॉईल की थी तो उसमें भी डाला था। और साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ साथ डाल देंगे 2 चम्मच सांभर का मसाला। और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो हमारी दाल बॉईल करके रखी थी हमने वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पे डाल दिया है मैंने इमली का पल्प 4 से 5 चम्मच। और अब ऐड कर दी है अपनी दाल और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से हम कुकर में पका लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर जो हमारी वेजिटेबल थी वो भी हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल अलग से पकाने से क्या होता है ना कि जो हमारी वेजिटेबल है मैश नहीं होती, थोड़ी खड़ी खड़ी रहती हैं और सांभर में वो अच्छी लगती हैं। तो बस इसके अंदर अब मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं 1 से 2 और साथ ही अनियन को बड़े बड़े स्लाइस में कट करके भी डाला। आपने देखा होगा मार्केट में जो सांभर मिलता है उसमें अनियन के अलग से स्लाइस भी होते हैं बड़े बड़े। तो बस अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी कुकर में और इसको 10 से 15 मिनट के लिए और कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर जो सांभर है मेरा मैंने सारा का सारा कुकर में पलट दिया है और बस 10 से 15 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। सांभर की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंगली गाढ़ा या पतला कर सकते हैं, लेकिन इडली वगैरह के साथ इसी तरीके का पतला पतला सांभर मिलता है तो मैंने वैसे ही बनाया। तो बस रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा सांभर, वो भी कुकर में बिना किसी झंझट के। तो ये देखिए कितना बढ़िया और टेम्पटिंग हमारा सांभर बनके तैयार हुआ है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ इडली के साथ। आप इसे राइस के साथ या फिर बड़े के साथ
और डोसे के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।